हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यस बैंक के बारे में। यस बैंक में मैं और आप और हमारे जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स बहुत इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि या तो हमने पैसा इन्वेस्ट कर दिया है और या हम पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, यस बैंक में रिसेंट डेज में एक न्यूज़ निकल के आती है कि यस बैंक मार्केट में QIP लेके आ रहा है, जिससे वो 2000 करोड़ रुपए रेज करने के बारे में सोच रहा है। लेकिन एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें बिल्कुल समझ में नहीं आता कि ये QIP क्या है, ये कैसे काम करती है और मेरे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को ये कैसे इम्पैक्ट करेगी आने वाले टाइम में। दोस्तों, QIP के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा कि QIP क्यों जरूरी होता है। तो मान लो मेरी एक कंपनी है और उस कंपनी को चलाने के लिए मुझे कुछ पैसा चाहिए, और वो पैसा मैं कहाँ से लेके आऊँगा, उसके दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि मैं डेट लूँ, डेट मतलब कि बैंक से लोन लूँ या किसी और थर्ड पार्टी से लोन लूँ। और दूसरा तरीका होता है इक्विटी, कि मैं अपने शेयर इशू करूँ और अपनी कंपनी का कुछ हिस्सेदारी उनको दूँ, जिसके बदले में वो मुझे पैसा देंगे। अब बात करते हैं पहले डेट का, कि डेट के क्या नुकसान होते हैं। तो मान लो कि यस बैंक के केस में भी अगर यस बैंक डेट के लिए जाता, तो उस डेट के लिए यस बैंक को हर क्वार्टरली या 6 महीने में या 1 साल में उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ता। और वो अगर यस बैंक वो इंटरेस्ट पे करता तो यस बैंक की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जो पहले से ही काफ़ी स्ट्रेस्ड है, वो और स्ट्रेस होती, उनके मार्जिन्स में और प्रॉब्लम निकल के आती। तो दूसरा जो सबसे अच्छा तरीका यस बैंक के लिए था, वो था इक्विटी का तरीका। और इक्विटी में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं पैसा लेने के, जैसे कि एक प्राइवेट इक्विटी होता है और एक QIP होता है। तो हम डिटेल में बात करते हैं QIP के बारे में। QIP, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, जैसे कि नाम में ही आता है इंस्टीट्यूशनल। इसमें क्या होता है कि कुछ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस आते हैं और वो आके कंपनी को बोलते हैं कि हम आपकी कंपनी में हिस्सेदारी खरीदेंगे, जिसके बदले में हम आपको पैसा देंगे। और यस बैंक ने QIP का रास्ता इसलिए चुना क्योंकि QIP सबसे फास्टर तरीका है पैसा उठाने का, और सेकेंडली QIP में जो रेगुलेटरी नॉर्म्स होते हैं वो काफ़ी कम लगते हैं एज कम्पेयर टू प्राइवेट इक्विटी और अदर फंड रेजिंग मेथड्स। दोस्तों, QIP इंडिया में सेबी ने 2006 में सबसे पहले लॉन्च किया था, ताकि जो लिस्टेड कंपनीज हैं वो जल्दी से जल्दी पैसा उठा सकें जब भी उनको पैसे की जरूरत पड़े। और यस बैंक के केस में QIP का एक और एडवांटेज है कि जो भी कंपनीज QIP के थ्रू यस बैंक में पैसा इन्वेस्ट करेंगी, उनको हिस्सेदारी तो मिलेगी बट मैनेजमेंट में कोई हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। मतलब कि वो हिस्सेदार तो रहेंगी यस बैंक में, पर यस बैंक को कंट्रोल नहीं कर पाएंगी। QIP तो अब हमें समझ में आ गया, लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि ये QIP इशू करने का मेरे और आपके जैसे इन्वेस्टर्स पे क्या फर्क पड़ता है। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि ये QIP का हमारी इन्वेस्टमेंट पे क्या इम्प्लीकेशन निकल के आएगा। दोस्तों, सबसे पहली अच्छी खबर जो हमारे जैसे इन्वेस्टर्स के लिए निकल के आती है इस न्यूज से, वो ये है कि हमें अभी तक डर लग रहा था कि यस बैंक में लिक्विडिटी क्रंच है, यस बैंक के पास बहुत सारा पैसा नहीं है कि वो अपने लोन की ग्रोथ कर सकें और अपने बैंक को एक्सपेंड कर सकें। तो ये पैसा आने से यस बैंक का जो लिक्विडिटी क्रंच है वो थोड़ा खत्म होगा और यस बैंक का जो एक्सपेंशन प्लान्स है, यस बैंक उसकी तरफ आगे बढ़ेगा। जो दूसरा पॉइंट निकल के आता है वो भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव है मेरे और आपके जैसे इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि जब भी कोई बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आके किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो मार्केट में उस कंपनी को लेके थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स का, और जब रिटेल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो वो और जाके बाय करते हैं, और जिससे शेयर प्राइस और ऊपर जाता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक करें, इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उस वीडियो को शेयर करें। सो दोस्तों, आगे आने वाली वीडियोस में भी हम आपको न्यूज़ के बारे में सिंपल टर्म्स में समझाने की कोशिश करेंगे। आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आप किस न्यूज़ के बारे में जानना चाहते हैं और किस शेयर के बारे में आप जानना चाहते हैं।